हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो के द्वारा अपने देश भारत में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों के विषय में जानेंगे। हमारा देश भारत त्योहारों का देश कहा जाता है, क्योंकि पूरे भारत में पूरे वर्ष कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्यौहार अवश्य ही मनाया जाता है। ये त्यौहार हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता से जोड़े रखते हैं। आइए बच्चों, हमारे देश में मनाए जाने वाले कुछ त्योहारों के बारे में जानते हैं। होली बच्चों का सबसे प्यारा त्योहार। होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है। ये बहुत ही हर्ष और उल्लास का पर्व है। इस पर्व में बच्चे बूढ़े सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। अगला त्योहार है बच्चों दिवाली। इसे दीपावली भी कहते हैं, अर्थात दीपों का त्योहार। इस पर्व पे लोग अपने घरों में दिए जलाते हैं, भगवान लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। लोग रात में फुलझड़ियां जलाते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं। मुस्लिम धर्म के लोगों का प्रमुख त्यौहार है। यह रमजान के महीने में मनाया जाता है। इस त्यौहार में लोग अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं और अपने मित्रों और संबंधियों के साथ बैठकर उसका आनंद लेते हैं। गले लगाते हैं। यह त्योहार एकता और भाईचारे का संदेश देता है बच्चों। अगला त्योहार है क्रिसमस। यह पर्व ईसाई धर्म के लोगों का प्रमुख पर्व है और यह दिसंबर मास की 25 तारीख को मनाया जाता है। लोग क्रिसमस ट्री को उपहारों से और घंटियों से सजाते हैं और कुछ लोग संता बनकर बच्चों को गिफ्ट भी देते हैं, उपहार देते हैं बच्चों। अगला पर्व है रक्षाबंधन। यह हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। इस पर्व पर बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। यह भाई बहनों के बीच प्रेम संबंध का एक त्योहार है। अगला त्योहार है बच्चों ओणम। ओणम केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार नई फसल के आगमन पर मनाया जाता है। स्त्रियां अपने घरों को सुंदर रंगोली से सजाती हैं और राजा बलि के आगमन का भी यह समय माना जाता है। लोग उनकी पूजा करते हैं। अगला त्योहार है बच्चों लोहड़ी। लोहड़ी सिख धर्म के लोगों का एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार भी बच्चों नई फसल के आगमन पर मनाया जाता है। सिख समुदाय के लोग
आग जलाकर रात में उसके चारों ओर नृत्य करते हैं और नए नए अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बनाकर खाते हैं। तो बच्चों, ये थे कुछ त्योहार जो हमारे देश में मनाए जाते हैं और हमें एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं।